उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर शहर सीट के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। नॉमिनेशन में सीएम योगी के साथ गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के नामांकन दाखिल करने के साथ ही किसी मुख्यमंत्री के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का 18 साल पुराना सिलसिला भी टूट गया। आज नामांकन पत्र में सीएम योगी ने यह भी बताया कि उनके पास कितनी संपत्ति और आय है। सीएम योगी के हलफनामे के मुताबिक उनके पास कुल 1,54,94,054 रुपए की संपत्ति है। इससे पहले 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद का चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने अपनी संपत्ति 95,98,000 रुपए बताई थी। सीएम योगी के दिल्ली, लखनऊ और गोरखपुर की 6 जगहों पर अलग अलग बैंकों में 11 अकाउंट्स हैं, जिनमें 1,13,75,000 रुपए से ज्यादा जमा है। आज हलफनामे में सीएम योगी ने यह भी बताया कि उनके पास घर या जमीन नहीं है, लेकिन उनके पास नेशनल सेविंग स्कीम्स और बीमा पॉलिसियों के जरिए 37,57,000 रुपए हैं। इसके अलावा उनके पास 10-10 ग्राम सोने के 2 कान के कुंडल हैं, जिसकी कीमत 49,000 रुपए है। उनके पास 10 ग्राम सोने की रुद्राक्ष की माला है, जिसकी कीमत 20,000 रुपए है। सीएम योगी के पास 12,000 रुपए का एक मोबाइल फोन भी है। इसके अलावा एक रिवॉल्वर और एक राइफल भी है। पिछली बार योगी आदित्यनाथ ने अपने पास 2 कार होने की बात बताई थी, लेकिन इस बार उनके पास एक भी कार नहीं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।